इस वक्त की अगली बड़ी खबर आ रही है बदनावर से। बदनावर में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया मतदान। कमल सिंह पटेल ने कानवन में मतदान किया है। ईवीएम खराब होने पर करना पड़ा इंतजार। कमल सिंह पटेल ने किया जीत का दावा। कानवन में सुबह कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल बूथ नंबर 138 7 बजे पहुंचे, जहां मशीन हुई खराब। कांग्रेस प्रत्याशी को करना पड़ा इंतजार। जी हाँ, कमल से एक दो पत्रकार भी कांग्रेस प्रत्याशी ने किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बदनावर से। बदनावर में कांग्रेस प्रत्याशी ने मतदान किया है। कमल सिंह पटेल ने कानवन में मतदान किया। ईवीएम खराब होने से करना पड़ा कुछ वक्त इंतजार। कमल सिंह पटेल ने किया जीत का दावा। एक दो पत्रकार चलिए अंदर, भीड़ मत करो पत्रकार भी। पटेल जी, आप बताइए कि आपने आज मतदान किया है, क्या लगता है आपको कि ये मतदान सर्वप्रथम आपने किया है 138 पोलिंग पर, कैसा लग रहा, क्या जीत की उम्मीद है? लेकर क्या कहना चाहते हैं? वोट मतों से जीत कर रहे हैं, जीत की दावेदारी कर रहे हो। बराबर, कितने वोटों से जीते सकते हैं? अच्छे अच्छे मतों से जीतेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि आप गुरु और चेले के बीच में टक्कर, नीचे नीचे आप उनके गुरु का बताते जाते हैं बीजेपी। तो उनके पिताजी के साथ भी था, उनके पिताजी को भी मैंने दो चुनाव लड़ा। अच्छा, उनको भी जीता है? उनको भी जीता है। अच्छा, गुरु और चेले के बीच जो टक्कर है, इसमें जीत किसकी होगी? वो तो गुरु की होती है, चेले की थोड़ी होती है, गुरु की होती है। मतलब गुरु गुड़ हो जाएगा, चेला शक्कर बन जाएगा। चलो, बीजेपी की जो जास्तियाँ हुई, जनता के बारे में क्या सोचा? जो भी सोच है, हर गांव की समस्या अलग अलग होती है और समस्या को निराकरण करेंगे। आप बताइए कि आपने आज मतदान किया है, क्या लगता है आपको कि ये मतदान सर्वप्रथम आपने किया है 138 पोलिंग पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद है आपसे? आपकी जीत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी वोट मतों से जीत कर रहे हैं, जीत की दावेदारी कर रहे हो। बराबर, कितने वोटों से जीत सकते हैं? जीतेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि आप गुरु और चेले के बीच में टक्कर, आप उनके गुरु का बताते जाते हैं बीजेपी। मैं तो उनके पिताजी के साथ भी था, उनके पिताजी को भी मैंने दो चुनाव लड़ा। अच्छा, उनको भी जीता है? उनको भी जीता है। अच्छा, गुरु और चेले के बीच जो टक्कर है, इसमें जीत किसकी होगी? वो तो गुरु की होती है, चेले की थोड़ी होती है, गुरु की होती है। मतलब गुरु गुड़ हो जाएगा, चेला शक्कर बन जाएगा, मनना है। चलो, बीजेपी की जो क्या सोचा जनता के बारे में, जनता के बारे में क्या सोचा? जो भी सोच है, हर गांव की समस्या अलग अलग होती है और समस्या को निराकरण करेंगे। आप बताइए कि आपने आज मतदान किया है, क्या लगता है आपको कि ये मतदान सर्वप्रथम आपने किया है 138 पोलिंग पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद है आपसे? आपकी जीत को लेकर क्या कहना? बहुत अच्छी वोट मतों से जीत कर रहे हैं, जीत की दावेदारी कर रहे हो। बराबर, कितने वोटों से जीत सकते? अच्छे अच्छे मतों से जीतेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि आप गुरु और चेले के बीच में टक्कर, आप उनके गुरु का बताते, उनके पिताजी के साथ भी था, उनके पिताजी को भी मैंने दो चुनाव लड़ा। अच्छा, उनको भी जीता है? उनको भी जीता है। अच्छा, गुरु और चेले के बीच जो टक्कर है, इसमें जीत किसकी होगी? वो तो गुरु की होती है, चेले की थोड़ी होती है, गुरु की होती है। मतलब गुरु गुड़ हो जाएगा, चेला शक्कर बन जाएगा, मनना है। चलो, बीजेपी की जो क्या सोचा जनता के बारे में,
जनता के बारे में क्या सोचा? जो भी सोच है, हर गांव की समस्या अलग अलग होती है, हर समस्या को निराकरण करेंगे।